हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में कि हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस जो कि दिया गया है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म स्टार्ट करेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं तो डिफरेंट पार्टवेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म होता क्या है तो आइए शुरू करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर लिविंग सेल्स लिविंग सेल्स लिविंग सिस्टम उसको काम करने के लिए जो एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कहां से मिलता है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है वो है ग्लूकोज मीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म के लिए जो मेन मेटाबोलाइट मेन जो मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है वो है ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज क्या होता है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म का मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में जितने भी मेजर मेटाबोलिक पार्थवे होते हैं उसमें ग्लूकोज जो है वो मेजर मॉलिक्यूल होता है इसी कारण से लिखा गया है ग्लूकोज इस प्राइमरी मेटाबोलाइट और इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेक्राइट से जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो है फ्रक्टोस गैलेक्टोस और मेनोस मीन्स कह सकते हैं ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज यूटिलाइज होता है तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई गाड़ी है व्हीकल है उसको रन करने के लिए चलाने के लिए हमको फ्यूल की जरूरत होती है जैसे हम उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं और ये फ्यूल जो है बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वही एनर्जी से वो गाड़ी जो है व्हीकल जो है वो चलता है रन करता है इसी तरीके से हमारे लाइफ को रन करने के लिए हमारे बॉडी को रन करने के लिए जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होता है तो जो मेजर फ्यूल होता है वो है ग्लूकोज और यही ग्लूकोज जो है बर्न होता है एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वही एनर्जी यूटिलाइज होता है टू रन दी लाइफ और से हमारे बॉडी को रन करने के लिए मीन्स हमारे बॉडी में जो बेसिक न्यूट्रंस रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और लिपिड तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही कार्बोहाइड्रेट मेनली यूटिलाइज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन बॉडी इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि मेटाबोलिज्म क्या होता है केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग इन द लिविंग सेल्स केमिकल के रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग तो है। सेल के, है। के अंदर या तो उस केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स है या तो बनेगा या तो उसका ब्रेक डाउन होगा मीन्स वो टूटेगा तो अगर केमिकल रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल अगर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं तो उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कैटा जो कि हिंदी वर्ड से राइम करता है काटना मतलब किसी चीज को तोड़ना छोटे मॉलिक्यूल्स में तो तरीके से आप कैटाबोलिज्म को याद रख सकते हैं कि में क्या होता है, breakdown होते हैं, कैटाबोलि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और जब भी कोई मॉलिक्यूल्स uh, जो है जब टूटता है छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी जनरेट होता है जैसे अगर ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज का क्या होगा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा मीन्स ग्लूकोज जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा टूटेगा और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वही एनर्जी यूटिलाइज होता है काम करने के लिए इसके अलावा नेक्स्ट है एनाबोलिज्म दूसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है सिंथेसिस होता है मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम एनाबोलिज्म बोलते हैं इसलिए लिखा हुआ है सिंथेसिस कोई भी चीज बनती है कोई मॉलिक्यूल जब बनता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो एनाबोलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होता है कैटाबोलिज्म में एनर्जी जनरेट होता है रिलीज होता है तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मिलके क्या बना मेटाबोलिज्म तो ये हो गया मेटाबोलिज्म के बारे में अब आते हैं मेटाबोलिक पाथवे क्या होता है तो लिविंग सेल्स के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस एक सीक्वेंस में एक सीरीज ऑफ जो रिएक्शंस हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए तो उसी सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस को जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है तो उसी को मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है जैसे कि एग्जाम्पल इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल मीन सबस्ट्रेट क्या होता है उसमें सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज और ये कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसका जो प्रोडक्ट है वो है पायुर्वेद डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है ये एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो प्राइवेट में फाइनली कन्वर्ट होता है मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स e, में कन्वर्ट हुआ फाइनली वो में कन्वर्ट हुआ तो इस तरीके से जो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है means glucose B में कन्वर्ट हुआ फिर बी सी में कन्वर्ट हुआ सी फिर डी में फिर डी जो है एफ में और एफ फाइनली जो है पायुर्वेद में कन्वर्ट हुआ और जितने भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये रिएक्शन को करवाते हैं ये क्या कहलाएगा ये स्पेसिफिक मेटाबॉलिक कहलाएगा जिसका नाम है glycolysis. तो यहां पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लूकोज सबस्टेट है और जो प्रोडक्ट जो पायरवेट है और डिफरेंट जो इंटरमीडिएट बने हैं यहाँ पे जैसे बी सी डी जो भी केमिकल का नाम है तो ये सभी क्या कहलाते हैं ये सभी मेटाबोलाइट कहलाते हैं उस मेटाबुलिक पाथवे का तो मेटाबुलिक पाथवे Which are the तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्मिक इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम यहाँ पे ओवरव्यू देते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म से पहले ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कहा से आता है मीन्स सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज तो सबसे पहले ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं मीन्स डाइटरी कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उन कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोस हमारे बॉडी में आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च स्टार्च क्या है ये पॉलीसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट है और ये किसमें प्रेजेंट होता है जैसे हम जो चावल खा रहे हैं जो रोटी खा रहे हैं ना तो ब्रेड खा रहे हैं तो, तो उसमें क्या होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है तो उसको खाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाता है हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जो है ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्व होता है ब्लड में जाता है और उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है और सेल्स के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स के अंदर जाता है सेल के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोस यूटिलाइज होता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड फॉर अदर पर्पस तो ये जो ग्लूकोस है इस तरीके से मींस हमारे डाइट से हमारे बॉडी में आता है दूसरा फ्रॉम दी ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजीनोलिसिस क्या होता है मींस फ्रॉम दी ग्लाइकोजन ग्लाइकोजीनोलिसिस दो वर्ड से बना हुआ है ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन मींस किसी चीज के टूटने को हम क्या बोलते हैं लाइसिस तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन क्या होता है ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है मीन्स जब हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है तो वो एक्सेस ग्लूकोज है आपस में जुड़ते हैं बॉन्ड बना लेते हैं और आपस में जुड़ के वो क्या बन जाते हैं वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं और ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी में स्टोर होता है एज ए स्टॉक मीन्स जब हमको जरूरत होगा या इमरजेंसी में बाहर से हमको ग्लूकोज का सोर्स नहीं है तो वही ग्लाइकोजन जो है यूटिलाइज होता है ग्लाइकोजन जो मीन ग्लूकोज जो एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ग्लूकोज डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो फिर ब्रेक डाउन होते हैं और इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसी को हम ग्लाइकोजीनोलाइसिस बोलते हैं मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है और ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज निकलता है और इस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है और दूसरा सोर्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ग्लूको ग्लूको ये वर्ड है फ्रॉम दी वर्ड ग्लूकोस न्यूमीन्स न्यू जेनेसिस जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस बनना तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होगा न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस न्यू ग्लूकोस मॉलिक्यूल इन अवर बॉडी और ये किससे बन रहा है फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मींस जो कार्बो मोलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है या ग्लिसरॉल से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है देन इट इज़ सिस तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है मीन्स ग्लूकोज का सोर्स नेक्स्ट आते हैं ये ग्लूकोज कैसे यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी में तो दो पाथवे है एक तो ऑक्सीडेटिव पाथवे है और दूसरा है सिंथेटिक पाथवे तो ऑक्सीडेटिव में क्या होगा सबसे पहला यहाँ पे है glycolysis. Glycolysis में, होता है, में, हमने आपको बताया था ब्रेक डाउन तो ग्लूकोज टूटता है द थ्री मॉलिक्यूल थ्री कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल दैट इज नोन एज पारेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इन टू लैक्ट्रेड तो सिक्स कार्बन ग्लूकोस मॉलिक्यूल जो है छोटे मॉलिक्यूल में थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पार्वेद में कन्वर्ट होता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और यही पार्वेद जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होता है मीन्स फर्दर जो है क्रैप साइकिल में जाता है जिसको हम ट्राई कार्बोक्सलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं वहां पे वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं जिसमें ये ग्लूकोज जो है डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होता है जिसको हम बोलते हैं एचएम्पी क्षण एच एम्पी शन का फुल फॉर्म है मोनोफॉस्फेट क्षण जिसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोला जाता है इसमें क्या बनता है इसमें राइबोस बनता है और एनएडीपीएच बनता है एनएडीपी क्या है निकोटिनामाइड एडिनिन न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट और राइबोस क्या है राइबोस जो है ये फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल होता है इसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे जिसको यूरोनिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं और जैसा कि नाम है इसमें ग्लूकोस से ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है और पेंटोस बनता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इस ऑक्सीडेटिव पाथवे में मेनली जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस एच एम पी सर्ट और इसके बाद नेक्स्ट है सिंथेटिक पात्वे। सिंथेटिक जैसा कि कि नाम है, इसमें सिंथेसिस होगा। जैसे कि यहां पे हमने लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के सिंथेसिस मीन्स जब ग्लाइकोजन बनता है तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है नेक्स्ट आता है लाइपोजेनेसिस लाइपोजेनेसिस मतलब कि लिपिड के सिंथेसिस उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की भी सिंथेसिस होती है नेक्स्ट आते हैं गैलेक्टोस फ्रेक्टोस और अदर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस तो ये सब सिंथेटिक पाथवे में आता है तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म तो ये हमने एक आउटलाइन बनाया है डिफरेंट जो पाथफेस है तो जैसा हमने आपको बताया था जो मेजर कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है वो है ग्लूकोज तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के बाद सबसे तो पहला जो पाथवे होता है वो है ग्लाइकोलिसिस तो ये ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है और वन ऑफ द इसको हम बोल सकते हैं ग्लिसड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और वो फाइनली जो है पायरवेट में कन्वर्ट होता है मीनू ग्लाइकोलिसिस का जो है स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज जो कि पारवेट में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज से पार्वेट में कन्वर्ट होना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिस ग्लूकोज होता है वो सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और जो पार्वेट होता है ये थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है तो ये दो पार्वेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है मीन्स ये जो ग्लूकोज जो है ये जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से ये सिक्स कार्बन है ग्लूकोस मॉलिक्यूल है यहां से वो ब्रेक डाउन होता है तो ये थ्री कार्बन और ये थ्री कार्बन कंटेनिंग पैरुवेट मॉलिक्यूल है मीन्स टू पैरुवेट मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होता है इसके बाद ये पैरुवेट जो है फर्दर जो है एसिटाइल को इंजाइम ए एं में कन्वर्ट होता है और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है मीन्स पैरुवेट का और एसिटाइल को इंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है टी सी साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेप साइकिल में जाता है फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस होता है ने यहाँ पे पे को किया हुआ है, है है, है बहुत सारे हो उसके उसके बाद बाद जो है, product बन रहे हैं। 6 -phosphate जो है, means, जो ये ये बन के फॉर्म में glycogen में कन्वर्ट होता है जिसे हमने आपको बताया जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे और ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है एच एम पी शंट में भी जाता है मोनोफॉस्फेट शंट में और जिसमें कि वन ऑफ द इंटरमीडिएट बनता है ट्राइबोस फॉस्फेट और राइबोस फॉस्फेट बनता है जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया था राइबोस बनता है और ये राइबोस फॉस्फेट फिर यूटिलाइज होता है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो कि क्या है जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे सेल का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो इसमें जो राइबो है जो राइबो शुगर होता है डीएनए मॉलिक्यूल में वो राइबो शुगर वो कहां से आता है वो से आता है और ये जो राइबोस है ये फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है नेक्स्ट ये जो एसिटाइल को इंजाइम है इससे फैटी एसिड की भी सिंथेसिस होती है ये फैटी एसिड जो है यहाँ पे जो सिंथेसाइज हुआ है वो ट्रायोस्फॉसफे से कंबाइन होकर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाता है और यही एसिटाइल कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है और साइकिल में जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट जैसे कि अल्फा किटो ग्लूट्रिक एसिड और भी जो अदर इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अमीनो एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और पायरविड से भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है और ये अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी में बनते हैं ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का आउटलाइन तो हम ग्लाइकोलिस स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस किस तरीके से होती है हमारे बॉडी में एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो